हेलो एवरीवन, मैं राकेश। आज 18 दिसंबर को नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स का एक और सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले हम करंट अफेयर्स देखेंगे, फिर महात्मा गांधी सेगमेंट और अंत में इसी सेशन के क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लेट्स स्टडी विद सब्सटेंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत का रैंक है 112। कुल 153 कंट्रीज को इसमें असेस किया गया है। 2018 में थे हमारा रैंक 108, तो हम 4 स्थान नीचे चले गए हैं। अब हम पहुंच गए हैं 112 पर। इसमें इस लिस्ट के अनुसार भारत का रैंक दो कैटेगरीज में तो बॉटम 5 में है, और वो दो कैटेगरीज हैं वुमेन्स हेल्थ एंड सर्वाइवल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। आइसलैंड है इस लिस्ट में मोस्ट जेंडर न्यूट्रल कंट्री टॉप, जहां पर सबसे कम जेंडर गैप है। यमन में है सबसे अधिक, सेकेंड लास्ट है इराक और थर्ड लास्ट है पाकिस्तान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापना हुई थी 1971 में, हेडक्वार्टर है कोलोनी स्विट्जरलैंड में, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक, और दावोस स्विट्जरलैंड में जनवरी 2020 में 50वीं समिट होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। नुआर थाई, दिस शुड बी मसाज, MASSAGE, ये एक मसाज थेरेपी है थाईलैंड की, जिसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है नुआर थाई। और इस लिस्ट से यूनेस्को ने एक कार्निवल है बेल्जियम का, विच इज़ कॉल्ड कार्निवल ऑफ आल्स्ट, दिस इज आल्स्ट। ये कार्निवल है बेल्जियम का, इसे इस लिस्ट से निकाल दिया है और नुआर थाई को इंक्लूड किया गया है। इस लिस्ट में भारत की तरफ से हैं 13 चीज़ें। सबसे पहले 2008 में ऐड हुई थी रामलीला, वैदिक चैंटिंग और संस्कृत का कुट्टियम, ये थे पहली बार ऐड होने वाले। और लेटेस्ट है कुंभ मेला 2017 में। इसके अलावा कुछ हैं छऊ डांस, योगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बाट। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को महारत्न का दर्जा दे दिया गया है 23 अक्टूबर 2019 को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की स्थापना 1974 में हुई थी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1989 में। CPSC, सेंट्रल पब्लिक सर्विस सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसे हम जानते हैं PSU के नाम से, वो कंपनीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का, सरकार का कम से कम 51% का शेयर होता है। 51% स्टेक्स एटलीस्ट गवर्नमेंट के होने चाहिए, उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इनको देखता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर। कुल 15 दिसंबर तक भारत में लगभग 340 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। इनकी तीन कैटेगरीज होती हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न। एक ओवरव्यू यहाँ दिया गया है 15 दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार। भारत में है कुल महारत्न 10। महारत्न स्टेटस 2009 में शुरू हुआ था, पहले केवल नवरत्न और मिनीरत्न होते थे। ये 10 हैं भेल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, IOCL, NTPC, ONGC, सेल, BPCL और लेटेस्ट BPHP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर दिए गए हैं क्राइटेरियाज महारत्न बनने के लिए। पहले तो कंपनी नवरत्न होनी चाहिए, उसके बाद नेशनल इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए, देन उसका पिछले 3 साल में एनुअल टर्नओवर 20,000 करोड़ होना चाहिए, एनुअल नेटवर्थ 10,000 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 साल में, और नेट प्रॉफिट 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ कम से कम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लिमिट उनको दी गई है 5,000 करोड़ मैक्सिमम। उसके बाद सेकंड है नवरत्न, कुल 14 हैं भारत में, जिनमें से मुख्य हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL, MTNL। और इनके लिए कैटेगरी क्राइटेरिया ये है कि पहले तो ये मिनी रत्न होनी चाहिए, उसके बाद एक 6 पैरामीटर्स के कुल 100 मार्क्स रखे गए हैं, उसमें से कम इनका स्कोर 60 होना चाहिए। इसमें इंक्लूड है नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, मैन पावर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एटसेट्रा। इसके कुल 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स इसके होने चाहिए। इनका लिमिट दिया गया है 1,000 करोड़। लिस्ट है मिनीरत्न। मिनीरत्न कंपनीज भारत में है 73 एज ऑन डेट। मुख्य हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, IRCTC, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसमें दो कैटेगरीज हैं, पहली कैटेगरी 1, जिसमें पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और इस कैटेगरी 1 में इन्वेस्टमेंट लिमिट है 500 करोड़। कैटेगरी 2, पिछले 3 साल में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट, पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, कोई फिक्स अमाउंट नहीं दिया गया लेकिन कंटिन्यूअसली प्रॉफिट होना चाहिए, और इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट है 300 करोड़ रुपये। तो ये एक ओवरव्यू है महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का। आगे बढ़ते हैं। विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में
भारत की जीत के लिए मनाया जाता है। 3 दिसंबर को शुरू हुआ था युद्ध, 13 दिन चला था, ऑफिशियली 16 दिसंबर को ख़त्म हुआ था, जब पाकिस्तान के उस समय के आर्मी चीफ आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ बिना शर्त अनकंडीशनली अलाइड फोर्सेज ऑफ इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी के सामने समर्पण किया था, जिसके बाद बांग्लादेश की का निर्माण हुआ था। इस पाकिस्तान से ये बन गया था बांग्लादेश। और 16 दिसंबर विजय दिवस, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई 1999 को 1999 को हमने कारगिल युद्ध जीता था पाकिस्तान से। सो 26 जुलाई इज़ कारगिल विजय दिवस एंड 16 दिसंबर इज विजय दिवस। मुल्ला पेरियार डैम केरला में ये लोकेटेड है। केरला और तमिलनाडु के बीच में विवाद चलता रहा है पानी के ऊपर, इस डैम से आने वाले पानी के लिए। यहाँ पर है केरला, यहाँ पर है तमिलनाडु और यहाँ पर बनाया गया है मुल्ला पेरियार डैम। ये केरला की मुल्लार और पेरियार नदी के संगम पे बनाया गया है। इसका पर्पज़ ये है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेरियार, ये है पेरियार रिवर, इसका पानी ईस्ट एरियाज ऑफ तमिलनाडु की तरफ को मोड़ा गया है। इधर देखिए इस तरफ को, ये टूवर्ड्स मदुरई इस तरफ को मोड़ा गया है इस डैम से। और इस मैप में ज़्यादा विस्तार से समझ आएगा आपको, यह है डैम, यह है पेरियार रिवर और ये मोड़ा गया है पानी इस तरफ। सो दिस इज मुल्ला पेरियार डैम। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पीछे करते हुए इस लिस्ट को टॉप कर लिया है, फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट को। इसमें पिछले 10 साल से टॉप पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन चल रहा था, लेकिन इस साल रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने इसे पीछे कर दिया है। अब रिलायंस हो गया है पहला, सेकंड हो गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तीसरे नंबर पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चौथे पर, TCS चला गया है 10वें पर, ICICI है 12वें पर। फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार रिलायंस इंडिया लिमिटेड की इनकम में 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में 41.5% की वृद्धि हुई, जो कुल थी 580,553 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का मतलब है कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक रिलायंस की इनकम में इतने की वृद्धि हुई। इनकम इनइक्वालिटीज़ के बारे में, इंडिया के बारे में यहाँ कुछ फिगर्स दी गई हैं। ऑक्सफॉर्म इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं 21.5% लोग। कुल टॉप 10% हैं जो भारत के, वो भारत की 77% के आसपास की नेशनल वेल्थ को अपने में रखे हुए हैं, जबकि टॉप 1% ही आधी से भी अधिक के मालिक हैं नेशनल वेल्थ के, टॉप 1%, और बॉटम 60% केवल 4.8% ही रखे हैं। वेल्थ ऑफ टॉप 9% बिलियनियर्स ऑफ इंडिया इज इक्वलेंट टू बॉटम 50% ऑफ पॉपुलेशन। सो इनइक्वालिटीज़ का स्टेटस यहाँ से पता लगता है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पहुँच गए हैं 63 पे आउट ऑफ 190 कंट्रीज, जो 2014 में थे 142 पे। तो हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो बहुत अच्छा काम किया है, बट हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2015 में 80वें रैंक पे थे, 80th रैंक, और अब हम 2019 में आ गए हैं 102 रैंक पे। तो हमारे यहाँ गरीबी का स्तर बढ़ रहा है, बिजनेस करने का स्तर अच्छा हो रहा है। सो यहाँ पे हैं इनइक्वालिटीज़ के डाटा, ये सब मेंस आंसर राइटिंग के काम आएंगे। यहाँ पर हैं लोरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंसी दिया गया है। गिनी कोएफिशिएंसी मेजर करता है डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी को पॉपुलेशन में, और लॉरेंस कर्व देता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अर्न्ड बाय एनी गिवन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। सो दिस इज गिवन हियर लॉरेंस कर्व। गिनी कोएफिशिएंसी 0 से लेकर 1 तक होता है, 0 इज परफेक्ट इन इक्वालिटी और 1 होता है परफेक्ट इन इक्वालिटी। तो बीच से जो इस तरफ को होएगा वो थोड़ा ठीक होएगा, इस तरफ को होएगा तो जहाँ जैसे इसका रैंक बढ़ता जाएगा, 1 की तरफ को आता जाएगा, तो कंट्री में इन इक्वालिटी बढ़ती जाएगी। दिस ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर मेन्स आंसर राइटिंग। आगे बढ़ते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट बर्निंग टॉपिक ऑफ इंडिया टुडे। इसमें हम तो सिर्फ मेन बातें डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप को दिया गया है भारतीय संविधान के पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के में। ये आर्टिकल 5 से 11 तक बात करते हैं 26 जनवरी 1950, एज ऑन 26 जनवरी 1950 इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाए। इसके बाद के लिए आया था सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें 5 तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर करने की बात की गई थी, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेचुरलाइजेशन, जिसके बारे में अमेंडमेंट आई है। इसमें पहले ये था कि
भारत में कोई एप्लीकेशन अगर देता है सिटीजनशिप के लिए तो उससे पिछले 12 महीने में कंटिन्यूसली इंडिया में रहा हो, और इन 12 महीने से पिछले 14 साल पीछे कंटिन्यूस 14 साल का जो पीरियड था उसमें से कम 11 साल इंडिया में रहा हो। अब इन कंडीशंस को कर दिया गया है अमेंड, ये 11 साल जो था इसे बना दिया गया है 5 साल, और अब इसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ फ्रॉम 3 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है। एनी माइनॉरिटी ग्रुप बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, ये 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 3 नेबरिंग कंट्रीज़ से, जो भी भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले तक आई हैं उन्हें अनकंडीशनली इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, और 11 साल के पीरियड को कर दिया गया है 5 साल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पहले था ये बिल लेकिन अब ये पास हो गया है तो ये बन गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में फ़र्क है, CAA एंड NRC, फ़र्क हम यहाँ समझते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट करने की बात करता है भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, जो भी 6 रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वहाँ पर, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, वो वहाँ से भागकर जो आए हैं ड्यू टू रिलीजियस प्रोसिक्यूशन और फियर ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2014, 2014 तक जो भी आए उन्हें इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी, और 5 साल पीरियड कर दिया गया है। सो 2019 में 2014 से लेकर 2019 में ऑटोमेटिकली 5 साल हो जाते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये है टू रिमूव इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया, ये प्रोसेस असम में अभी ख़त्म की गई है, होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम पूरे इंडिया में लागू करेंगे। NRC के अंडर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप इफ दे प्रूव दैट इधर दे और देयर एंसेस्टर्स वर इन इंडिया ऑन और बिफोर 24th March 1971। असम NRC प्रोसेस इनिशिएट की गई थी टू आइडेंटिफाई इमिग्रेंट्स जो इलीगली आए थे इंडिया में बांग्लादेश से, और जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान पाकिस्तान से भागकर इंडिया में शरण लेकर रह रहे हैं। असम प्रोटेस्ट चल रही हैं बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो पूरे देश में चल रही है लेकिन असम की मुख्यतः इसलिए है क्योंकि असम के लोग ये कह रहे हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का वो असम अकॉर्ड ऑफ 1985 को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि असम अकॉर्ड के अनुसार 1985 के अनुसार 24 मार्च 1971 तक जो भी भारत में आए थे केवल उन्हें नागरिकता दी जाएगी, उसके बाद से जो भी आए हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इंडिया में, तो इस डेडलाइन को वो ख़त्म करता है क्योंकि अब तो सबके लिए डेडलाइन कर दी गई है 31 दिसंबर 2014। सो असम अकॉर्ड इससे ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी सेगमेंट पे, देखते हैं सत्याग्रह आश्रम इन्होंने स्थापित किया था 20 मई 1915 को, साबरमती आश्रम स्थापित किया था 17 जून 1917 को, और ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन स्थापित की थी 1 सितंबर 1925 में। सो दीज 3 डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी 1915 में जून में, ये जवाहरलाल नेहरू जी से मिले थे पहली बार लखनऊ कांग्रेस सेशन में, ये था दिसंबर 1916 में। 1922 में महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया, उन पर यंग इंडिया के 3 आर्टिकल्स के लिए ट्राई किया गया, इन्हें चार्ज लगाया गया, 6 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन जनवरी 1924 में ही इन्हें अपने अपेंडिसिस ऑपरेशन के कारण इन्हें अनकंडीशनली छोड़ दिया गया फरवरी के महीने में। जनवरी में इनका ऑपरेशन हुआ था और फरवरी में इन्हें छोड़ दिया गया। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन सितंबर 1925 में इन्होंने स्थापित की थी, साबरमती आश्रम 1917 में और सत्याग्रह आश्रम 1915 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 108, 112, 122, 140। सो 2018 में थे हम 108 पे, हम 4 स्थान और खिसक कर पहुंच गए हैं 2019 में 112 पे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नुआर थाई क्या है? गेम, ट्रेडिशनल डांस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और मसाज थेरेपी। सो नुआर थाई इज़ मसाज थेरेपी ऑफ थाईलैंड, जिसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कौन सा स्टेटस दिया गया है? मिनी रत्न, दिस इज मिनी MINI, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न या रत्न। सो ये बन गई है महारत्न कंपनीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुल हो गई हैं भारत में अब 10 महारत्न कंपनीज। विजय दिवस को किस हमारे किस युद्ध में जीत के लिए मनाया जाता है? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 के या 1999 के कारगिल वॉर, या इनमें से कोई नहीं। सो 1999 के कारगिल वॉर के लिए मनाया जाता है 26 जुलाई और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के लिए मनाया जाता है 16 दिसंबर विजय दिवस। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
मुलापेरिया डैम किन दो स्टेट्स के बीच में है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है? सो ऑप्शन डी केरला तमिलनाडु के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेकर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने किसे सरपास किया है फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट में टॉप कंपनी बनने के लिए इंडिया की? ये है ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो पिछले 10 साल से टॉप पर था, इसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने पीछे कर दिया है। सिटीजनशिप इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 5-11, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? ऑप्शन सी सितंबर 1925। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप स्माइलिंग।